नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी और बुक है क्षितिज। और जो आज का हमारा पाठ है, जो अध्याय है, उसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। और इसके जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो हैं श्यामा चरण दुबे जी। तो आज का अपना ये पाठ हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छे से आपको ये पाठ यहाँ पर समझाया जाएगा। तो उपभोक्तावाद जो है, और मतलब कस्टमर जो हम कह सकते हैं, कंज्यूमर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, जो मतलब प्रोडक्ट खरीदते हैं जो लोग, तो आज का ऐसा ज़माना आ चुका है कि ब्रांड सिर्फ लोग देखते हैं, ठीक है, ब्रांड देखते हैं और क्या करते हैं, ऑफर्स, एक के ऊपर एक फ्री या ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी जो हैं आज के टाइम पर जो हैं ये सब। और आप कह सकते हैं, जैसे हम टूथब्रश लेते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट होती हैं इतनी सारी कि हमारा टूथब्रश आप यूज़ करोगे तो आपके दांत मोती जैसे हो जाएंगे, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है आज के टाइम पे मार्केट में आ चुकी हैं। तो इसी को हम जो है उपभोक्तावाद थोड़ा मतलब कहेंगे कि सिर्फ मतलब उपभोग की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, डेली प्रोडक्ट्स वगैरह, उसका ज़माना जो है मतलब आ चुका है, ब्रांड का ज़माना और मतलब इन्हीं चीज़ों का आज के टाइम पे ज़माना है। तो इसी की यहाँ पर लेखक ने बात की है और बताया है कि आज के टाइम पे जो हमारी पुरानी परंपरा है वो तो पीछे छूट गई है, और आज के ज़माने में क्या है, सिर्फ ब्रांड की वैल्यू है और एक के ऊपर एक ऑफर होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ, उनकी एडवर्टाइजमेंट ऐसी बनाई जाती है, ठीक है, मन लुभावने वाली एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। कोई कोई ब्रश वाला कहता है कि मतलब हम मसूड़े को हम एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो कोई टूथपेस्ट वाला कहता है हमारे इसमें नमक है। तो ऐसी चीज़ें जो है लुभावनी चीज़ें आज के टाइम पर ज़्यादा हैं। तो आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस पाठ में लेखक ने उपभोक्तावाद के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, और लेखक का मानना है कि आज के समय में सब कुछ बदलता जा रहा है और आज के इंसानों पर नई जीवन शैली, जो जीवन शैली का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल, जो पहले के लोग थे उनके जीवन जीने का तरीका अलग था, वो पुराने ज़माने से रहते थे और उनकी जो क्या थी, जो जीने का जो एक लाइफ स्टाइल थी वो काफ़ी अलग थी आज के ज़माने से। तो लेखक ने ये बताया है कि जो आज का इंसान जो है उसका जो लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है और ये लाइफ स्टाइल हमारी जिंदगी पर हावी होता जा रहा है। तो आगे बढ़ेंगे। अब जो है यहां पर लेखक कहते हैं कि आज के समय में बाजार जो है, जो मार्केट है, वो विलासता और ऐश आराम की वस्तुओं से भरा पड़ा है। विलासता मतलब पूरी ऐश आराम की जो चीजें हैं, और ऐसे प्रोडक्ट से जो है आज का जो हमारा बाज़ार है, जो मार्केट है, वो भरा पड़ा है एकदम। चाहे वो मेकअप का सामान हो, चाहे वो अपना होम थिएटर हो, म्यूज़िक हो, या हमारी वॉच हो, ये एक सारी क्या है, विलासता की चीज़ें हैं, ठीक है, अमीरों की चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें। ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है मेकअप वगैरह, पर आज का जो ज़माना है वो कैसा हो गया है कि आज का जो हमारा बाज़ार है, जो मार्केट है, वो किससे भरा हुआ है, विलासता और ऐशो आराम की वस्तुओं से। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट आज के समय में बाज़ार में उपलब्ध हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि किसी ब्रांड का नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, तो आपको यहाँ पर लेखक ने सिंपल सी बात बताई है कि आज के समय में एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट आज के समय में उपलब्ध है। हर कोई कहता है हमारा टूथपेस्ट अच्छा है, कोई कहता है हमारे इसमें ये है, जम से ज़्यादा लड़ाई करता है, तो कोई कहता है कि हमारे उसमें नमक है, कोई कहता है हमारे उसमें ये है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आज के समय में एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट टक्कर में आ चुका है। पुराने ज़माने में तो क्या था, नीम, दातुन वगैरह, इससे काम हो जाया करता था, पर आज का लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है आकर्षण वाला, अट्रैक्ट, जो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, उसका प्रोडक्ट बिकने लग जाता है। आगे यहाँ पर जो लेखक कहते हैं, कोई कहता है कि इससे दांत मोती जैसे बन जाएंगे, कोई टूथपेस्ट वाला कहता है कि अगर आप ये टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके दांत कैसे हो जाएंगे, मोती जैसे, और मसूड़े हो जाएंगे मजबूत। तो कोई कहता है कि ये वनस्पति से बना है, प्राकृतिक है एकदम, और खनिज तत्वों से निर्मित है, बहुत सारे इसमें जो है खनिज तत्व हैं, ठीक है, मिनरल से मिलकर बना है। तो ये कुछ यहाँ पर लेखक ने यहाँ पर बताया है। आगे चलते हैं। ये बार बार आपको मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यही उपभोक्तावाद है। ब्रांड से भरी हुई दुनिया, मार्केट में सिर्फ ऐशो आराम की चीज़ें और ब्रांड का नाम चलना, ठीक है, आज के समय में यही चल रहा है। लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और आगे जो है अब लेखक बताते हैं, बाज़ार में बहुत सारे रंग और सफाई की क्षमता वाले टूथब्रश भी मौजूद हैं। टूथपेस्ट की तो बात हो गई, अब बात की जाए टूथब्रश की, ठीक है। टूथब्रश आपने देखा होगा, और उसके साथ आपने माउथ वॉश भी देखा होगा,
कि कहते हैं कि अगर आप ये माउथ वॉश यूज़ करेंगे आपके मुंह से जो है सारी बदबू ख़त्म हो जाएगी, आपके मुंह के अंदर जितने भी जर्म्स हैं वो सारे मर जाएंगे, और अगर आप ये टूथ ब्रश अगर यूज़ करोगे तो अच्छे से आपके दांत अंदर तक साफ़ होंगे। अलग अलग कलर्स के जो है टूथब्रश यहाँ पर मौजूद है मार्केट में, ये लेखक बताते हैं। आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन मतलब अपनी सुंदरता के लिए जो सामान होते हैं, क्रीम, फेस वॉश और मतलब स्क्रब्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन के जो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये हर महीने नए नए आते जाते हैं। साबुन, अलग अलग तरीके के जो है साबुन है, खुजली वाला साबुन, खुशबू वाला साबुन, ठीक है, और डीओ वाला साबुन, और बहुत तरीके के साबुन जो है, फेस के लिए अलग से साबुन, पिंपल्स के लिए साबुन। तो आज के ज़माने में क्या हो गया, हर महीने नए नए जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। और बहुत सारे साबुन मौजूद हैं जो तरोताज़ा कर देते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट्स में बताया जाता है कि शुद्ध गंगा जल से बने हुए हैं, ठीक है। और सारे स्टार्स की खूबसूरती का राज है, उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है साबुन की, तो जो उसमें स्टार्स होते हैं, हीरो हीरोइन जो भी होते हैं, वो कहते हैं हमारी खूबसूरती का राज ये साबुन है। तो आज के ज़माने में एडवर्टाइजमेंट से जो है कस्टमरों को लुभाया जाता है। फिर आगे क्या है, आजकल की संभ्रांत महिलाएं, संभ्रांत महिला कौन होती है, महिला तो आपको पता होगा लेडीज, संभ्रांत महिला का मतलब है जो बड़े घराने की औरतें हैं, जो अमीर हैं, अमीर घरों से जो है वो जो महिलाएं हैं, उनकी जो ड्रेसिंग टेबल होती है, ठीक है, जहाँ पर खड़े होकर वो श्रृंगार करते हैं, वो पूरी ड्रेसिंग टेबल जो है लगभग 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री से, मतलब वहाँ पर अगर आप उनकी ड्रेसिंग टेबल जाके देखोगे तो जितने प्रोडक्ट वहाँ पर पड़े होते हैं वो कम से कम भी 30 हज़ार रुपये के तो सिर्फ वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। जो अमीर घराने की जो महिलाएं हैं उनकी ड्रेसिंग टेबल पर लगभग 30 हज़ार रुपये के तो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसा लेखक बताते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोटो में भी। आगे, वस्तुओं और परिधानों की दुनिया से शहरों में जगह जगह पर बुटीक खोले गए हैं। बुटीक आपको पता होगा, ठीक है, मेकअप वगैरह भी किया जाता है, पार्लर टाइप से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बुटीक में की जाती हैं, और बुटीक खोले गए हैं शहरों में बहुत जगह। अलग अलग ब्रांड के नए नए कपड़े आ गए हैं, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड टी शर्ट्स, ब्रांडेड आपके जूते, ठीक है, अंडरवेयर्स ब्रांडेड, हर चीज़ जो है ब्रांड उसके आगे जुड़ गया है, डेनिम की जीन्स या और भी बहुत तरीके की टी शर्ट्स। तो ये क्या है, आज के ज़माने में नए नए तरीके के कपड़े आ गए हैं ब्रांड के साथ अलग अलग, और अब घड़ियाँ जो हैं वो समय देखने के लिए नहीं बल्कि दिखावे और प्रतिष्ठा बढ़ाने के रूप में देखी जाती हैं। ये आप सबको पता होगा कि आज के टाइम पे जो भी लड़का या लड़की घड़ी पहनती है उसमें से बहुत कम 10-20% भी नहीं होंगे जो उसमें टाइम देखते हों, वो घड़ी पहनी जाती है सिर्फ दिखावा करने के लिए, अपने को सबसे ऊपर दिखाने के लिए। आज के समय में किसी को संगीत आए या ना आए, लेकिन म्यूज़िक सिस्टम सबको चाहिए, चाहे किसी को संगीत का कुछ भी ना पता हो पर म्यूज़िक सिस्टम होने चाहिए, और वो भी बड़ा होना चाहिए, चाहे भले ही उन्हें बजाना आए ना आए लेकिन म्यूज़िक सिस्टम बड़ा होना चाहिए, ऐसा आज की दुनिया में चल रहा है। कंप्यूटर को भी दिखावे के लिए खरीदा जाता है, आपका कोई काम नहीं है कंप्यूटर में फिर भी आप महंगे से महंगा कंप्यूटर खरीदते फिर रहे हैं, उसमें गेमिंग सिर्फ कर रहे हैं। फिर प्रतिष्ठा के नाम पर अपने आप को सबसे ऊपर दिखाने के लिए जो शादियां की जाती हैं, शादी विवाह, वो भी 5 स्टार होटल बुक किए जाते हैं। भाई शादियां जो हमारी होती हैं वो नॉर्मल भी हो सकती हैं, पर लोग अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए 5 स्टार होटल्स बुक करते हैं, इलाज करवाने के लिए बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ये लेखक बताते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर, घड़ी, सब दिखावे के लिए आज के टाइम पे ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। फिर आज के समय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी 5 स्टार स्कूल मौजूद है, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कहते हैं हम अच्छी शिक्षा देंगे, तो शिक्षा के नाम पर भी क्या है यहाँ पर 5 स्टार स्कूल खोले गए हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि स्कूल तो 5 स्टार खुल गए, हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी जो हैं 5 स्टार अलग से खुल जाएँ। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका में क्या है, एक चीज़ है, भारत में अभी ऐसा नहीं हुआ है, अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों में क्या होता है, मरने से पहले ही आप अपने अंतिम संस्कार का इंतजाम कर सकते हो कि भाई जब आप मरोगे तो आपकी कब्र कैसी होगी, किस डिज़ाइन की होगी, कितने फूल होंगे आसपास, कौन से फूल होंगे, ठीक है, पूरा आप मैनेजमेंट अच्छे से अपने मरने से पहले ही आप बुक कर सकते हो कि मैं जब मर जाऊँगा कब्र के आसपास मेरी हमेशा घास उगी होनी चाहिए, मन चाहे फूल होने चाहिए आसपास, फव्वारे लगे होने चाहिए और हल्की ध्वनि में वहाँ पर गीत बजते रहना चाहिए। ऐसा भी ज़माना आ चुका है, भारत में भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है, पर हो सकता है भविष्य में आ भी जाए। आगे चलेंगे,
फाइव स्टार्स होटल्स आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से शादी ब्याह और ऐसा कुछ यहाँ पर चलता है। फिर आगे है हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, मतलब जो वैल्यू है, जो भारतीय परंपरा है, जो भारत की पुरानी परंपरा है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। आस्थाओं का क्षरण होने लगा है, जो हमारी आस्था है, भक्ति है, उसका विनाश धीरे धीरे होता जा रहा है। हमारी मानसिकता में गिरावट आती जा रही है। हम ब्रांड्स, पैकेट पैक्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। कोई हमें वो दे दे, क्या कहते हैं वो, दातुन, ठीक है, सॉरी मैं नाम भूल गया था, दातुन, प्राकृतिक चीज़ जो होती है दांत साफ करने की, कोई नहीं करेगा आज के टाइम पे। बोलेंगे ये तो क्या है, मिट्टी लगी होगी इसमें, ये है वो है। वहीं पर अगर कोई पैक्ड हमें टूथपेस्ट दे देता है तो हम उसको कर लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारी पुरानी परंपरा काफ़ी अच्छी है, उसके अनुसार जो भी चीज़ें थी वो प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे और प्राकृतिक थे, हमारे शरीर के लिए अच्छे थे। पर लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे हमारी मानसिकता में गिरावट आती जा रही है। आगे, आलू चिप्स और पिज़्ज़ा खाकर कोई स्वस्थ कैसे रह सकता है? लेखक यहाँ पर सवाल करते हैं, आलू के चिप्स जो हम खाते हैं, ठीक है, पोटैटो चिप्स, पिज़्ज़ा, मोमोज, चोमिन्स, ये सब खाकर कोई भला कैसे हेल्दी रह सकता है, स्वस्थ कैसे रह सकता है? सामाजिक सरोकार में भी कमी आ रही है, समाज में धीरे धीरे कमी आ रही है, और व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ती जा रही है। लोग पहले समाज की भलाई की सोचते थे, अब हर कोई अपने आप को पर्सनल सबसे अच्छा दिखाना चाहता है। और गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलावों को अपनाना है। गांधी जी कहते हैं हमें अपने आदर्श, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, आदर्श हैं, उस पर टिका रहना चाहिए और हमें स्वस्थ बदलावों को अपनाना चाहिए। हमें ऐसा बदलाव करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ हों, ना कि हम ऐसा बदलाव करें जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे। और गांधी जी ने कहा है, क्योंकि उपभोक्ता संस्कृति, जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये क्या है, ऐसा कल्चर है, ये ऐसी संस्कृति है जिसे उपभोक्तावाद की संस्कृति कहते हैं, ठीक है, कंज्यूमरिज्म, ठीक है। तो संस्कृति जो है ये, ऐसी अगर संस्कृति चलती रही तो ये आगे जाके भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कैसे आज के ज़माने की जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, यहाँ पर लेखक ने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पर बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।